अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा, आज हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स के लेसन नंबर 3 जो एडिशन ऑफ नंबर्स के बारे में है वो पढ़ेंगे। आदात को ऐड कैसे करते हैं, तो इसकी एक्सरसाइज है और एडिशन के कंसेप्ट समझाने के लिए कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं पेज नंबर 14 पर। वो कहते हैं कि एक टाउन में, टाउन ए में 54,372 वोट कास्ट हुए हैं और टाउन बी में 25,617 वोट कास्ट हुए हैं। कैन वी फाइंड हाउ मैनी वोट्स वर कास्ट इन बोथ टाउन्स ऑल टुगेदर, कि दोनों टाउन्स में टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं। तो वोट कास्ट इन टाउन ए, ये पेज नंबर 14 पर पहला ही क्वेश्चन है। वोट्स कास्ट इन टाउन ए, और इस तरह वोट्स कास्ट इन टाउन बी, दोनों की तादाद लिखते हैं 54,372 और अगली है 25,617। तो टोटल कॉस्ट बतानी है वोट्स की, टोटल वोट्स हैं ये नंबर ऑफ वोट्स, इनको प्लस करेंगे, यूनिट में यूनिट प्लस करें, टेंस में टेंस, हंड्रेड्स में हंड्रेड्स, थाउजेंड में थाउजेंड, तो आंसर आ गया, टोटल वोट्स आ गए 79,989। इस दो और सवाल हैं। एक सवाल है, ट्राई योर सेल्फ, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर स्टार्ट होता है 9 से, 5 डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट है 4 डिजिट नंबर, वो है जी 4 डिजिट नंबर, 1 से स्टार्ट होगा और आगे 3 0। अब इनको प्लस कर दें, 9 + 0 = 9, 9 + 0 = 9, 9 + 0 = 9, 9 + 1 = 10, 1 इधर 1 प्लस करें इसमें, 9 + 1 = 10, तो जवाब आ गया 100,999, ये आंसर है। ट्राई योर सेल्फ, ये एक पेज नंबर 15 पर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ये सवाल दिया गया। उसके बाद है जी एक्सरसाइज नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी 4 ऑप्शंस हैं और प्लेस वैल्यूज लिखी हुई है बुक के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर हम वो सवाल करते हैं जिसमें कैरिंग क्वेश्चन सी पार्ट कर लेते हैं, 10,000, 1,000, 100, 10s, 1s, सारे प्लेसेस दी हुई हैं, 7, 5, 6, 7, 9, 7, 5, 6, 7, 9, 1, 6, 8, 2, 8, 1, 6, 8, 2, 8, इनको प्लस करते हैं। आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 है, पहला सवाल है एक्सरसाइज का, 9 + 8 = 17, 17 + 7 = 1 इधर, अब इन तीनों को प्लस करें, 7 + 2 = 9 + 1 = 10, 10 + 0 = 1 इधर, अब इन तीनों को 8 + 6 = 14 + 1 = 15, 15 + 5 = 1 इधर, अब 6 + 5 = 11, 11 + 1 = 12, 1 इधर, अब इन तीनों 7 + 1 = 8 + 1 = 9, जवाब आ गया 92,507। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 में हॉरिजेंटल लिखे हुए नंबर्स, पहला पार्ट है 58,134,
58134 प्लस 45367 45367। अब आपने इस इन दोनों को प्लस करना है और आगे इक्वल का साइन लगा के आगे लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है ये 7 है और ये 4 है, इन दोनों को प्लस करेंगे, जवाब आएगा 11। 1 आपने इधर टेंथ प्लेस पे रखना है या इसके टेंथ प्लेस पे रखना है, आपकी मर्जी है। अब ये 3 प्लस 1 प्लस 6 9 और 1 10, 10 का 0, 1 कैरी 100 प्लेस पर आएगा। अब ये 1 प्लस 1 2, 2 प्लस ये 3, जवाब आ गया 5। अब 1000 प्लेस पे 8 है, इधर 5 है, 8 प्लस 5 13 का 3, 1 कैरी। अब इन तीनों 10,000 प्लेस पर हैं, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, जवाब आ गया 103,501। उर्दू में इसको पढ़ेंगे 103,501, लेकिन इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो इन तीन डिजिट्स को इकट्ठा पढ़ेंगे और इन तीन को इकट्ठा, तीन तीन के बाद कॉमा होता है या दरमियान में स्पेस होती है, 103,501 स्पेस दे दें थोड़ी सी ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो जवाब ये आ गया। इसी तरह इसके 9 पार्ट्स हैं और वर्टिकल हॉरिजेंटल तरीके से इनको ऐड करना है, इनको वर्टिकल भी कर सकते हैं लेकिन जैसा सवाल पूछा जाए उसी तरह करना है। एडिशन है, एडिशन की प्रैक्टिस मुख्तलिफ तरीके से करवाएंगे। उसके बाद है जी सवाल नंबर 3, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। निदा बॉट अ लैपटॉप फॉर 59,453। अच्छा जी, लैपटॉप की प्राइस है 59,400। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस ऑफ लैपटॉप। प्राइस ऑफ लैपटॉप 59,453 रुपीज़। अच्छा जी, एंड शी स्पेंट रुपीज़ 12,652 ऑन रिपेयरिंग। स्पेंट ऑन रिपेयरिंग या अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयरिंग द लैपटॉप, इक्वल के नीचे इक्वल 12,652। अब वो कहते हैं टोटल अमाउंट बताएं, टोटल अमाउंट शी स्पेंट, इन तीनों को प्लस कर दें दोनों को, तो जवाब है 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 10 प्लस 2 12 1 कैरी, 5 प्लस 2 7 72,105 रुपीज़ उसने टोटल खर्च किए हैं लैपटॉप पर ख़रीदने और रिपेयरिंग पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है, तीन सवाल रहते हैं इस एक्सरसाइज के। ये तीन सवाल करते हैं, 4 है जी। इन जनवरी 83,215 पीपल ट्रेवल्ड एंड इन फेब्रवरी 21,084 पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम एन एयरपोर्ट। हाउ मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल्ड इन द 2 मंथ्स। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स फाइंड करने हैं। जनवरी में 83,215 पीपल्स ने ट्रेवल किया है और फेबरी, अच्छा पीपल ट्रेवल्ड इन जनवरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, पीपल ट्रेवल्ड इन जनवरी UARY और पीपल ट्रेवल्ड इन फेबरी, इन दोनों की अमाउंट लिखते हैं 83,215 और है, दूसरे है जी 21,084 पीपल ने ट्रेवल किया
अब टोटल पैसेंजर्स इन टू मंथ्स, टोटल पैसेंजर्स आर पीपल इन द टू मंथ्स, इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दें, 5 + 4 = 9, 8 + 1 = 9, 2 + 0 = 2, 3 + 1 = 4, 8 + 2 = 10, 104,299. इन तीन को इकट्ठा पढ़ेंगे, इनकी तीन को इकट्ठा, तो 104,299 पीपल ने ट्रेवल किया है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 6 है, दोनों एक जैसे हैं, इनके पार्ट्स भी हैं ए और बी, उन दो इन दोनों को भी करते हैं अभी हम, 5 और 6 को, दोनों एक जैसे सवाल हैं, तो अब हम दरमियान में लाइन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आमने सामने करते हैं। जी ये है जी, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 42,725 बुक्स, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू ऐड 22,500 न्यू बुक्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ए पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, लाइब्रेरी में पहले से जो बुक्स मौजूद हैं, बुक्स इन द लाइब्रेरी, पार्ट ए करते हैं, बुक्स इन द लाइब्रेरी, वो हैं जी 42,725, और एडमिनिस्ट्रेशन बुक्स एडेड इन द लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐड किए हैं 22,500 बुक्स ऐड किए। अब टोटल बुक्स बतानी है, इनको प्लस कर दें, 5 + 0 = 5, 2 + 0 = 2, 7 + 5 = 12, 1 carry, 2 + 2 + 1 = 5, 4 + 2 = 65,225 बुक्स जो हैं। अब इसका बी पार्ट है, वो कहते हैं कि अगर इसमें 23,820 मोर बुक्स ऐड की जाएं तो फिर टोटल नंबर ऑफ, ये हैं टोटल बुक्स, इनमें मज़ीद बुक्स ऐड करेंगे, पहले हमें टोटल बुक्स जो हमारे पास हैं वो हैं जी 65,225, मोर बुक्स एडेड वो हैं जी 23,890, इनको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 + 0 = 5, 2 + 9 = 11, 1 3 + 8 = 11, 6 + 3 = 9, 6 + 2 = 8, 89,115 बुक्स हो जाएंगी टोटल लाइब्रेरी के अंदर। क्वेश्चन 6 में है, अ बस कवर्ड 23,672 किलोमीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट मंथ, एक महीने में बस ने, बस इसका ए पार्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन फर्स्ट मंथ, वो है जी पहले महीने में डिस्टेंस कवर्ड की है बस ने 23,672 किलोमीटर्स, और सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन सेकंड मंथ, वो है बराबर है 31,716। टोटल डिस्टेंस बताना है, इनको प्लस करें, 2 + 6 = 8, 7 + 1 = 8, 6 + 7 = 13, 1 4 + 1 = 5, 2 + 3 = 5, 55,388 किलोमीटर्स है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल टू 55,388।
अब वो कहते हैं बी पार्ट है, इन विच मंथ डिड इट कवर मोर डिस्टेंस, वो ओरल है सेकेंड मंथ में, इन द सेकेंड मंथ द बस कवर्ड मोर डिस्टेंस। ये नहीं पूछा उन्होंने कि कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, ये बताना है कि कौन से महीने में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो वो जो है जी ये अगर पूछा जाए कितना कवर, तो फिर हम इस 31 में से इसको माइनस करेंगे, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा वो आएगा, वो माइनस करने से आएगा, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस। तो लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 है, पेज नंबर 16 पर ये कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, बच्चों से सवालात करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम।